हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम आ गए हैं आप सबके लिए बिहारी जी का एक प्यारा सा लीला लेकर। जब बिहारी जी अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो वो कैसे चमत्कार करते हैं सोचकर भी हम हैरान हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे इंसान हमें दिख जाते हैं जो ना पहचानते हुए भी हमारे जीवन में हमें सहाय्य या उपकार करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो हमारा उपकार करते हैं ना, सदा उनके चेहरे को याद रखना, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में कब कहाँ कैसे मिल जाए, है ना, कोई नहीं कह सकता। तो कुछ ऐसा ही घटना पूजा जी के जीवन में घटित हुआ। आज वही लीला कथा आप सबके साथ शेयर करने के लिए आ गए हैं। सारे वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए पूजा जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबसे शेयर करते हैं। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हर रोज की तरह बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। पूजा जी है भगवान बांके बिहारी जी की परम भक्त, लेकिन कभी भी बचपन से उन्हें मौका नहीं मिला कि वृंदावन आऊं और बिहारी जी को दर्शन करूं, क्योंकि वो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो बिहारी जी को दर्शन करने आएंगे वृंदावन तो ज़्यादा खर्चा होगा, यही सोचकर कभी कभी उनके पापा पीछे मुड़ जाते थे। कहते थे बेटा इतना पैसा नहीं है, कैसे जाए, वहाँ रहेंगे तो 30-40 हज़ार रुपये तो अवश्य खर्चा हो जाएगा। अब बिहारी जी के वहाँ वृंदावन में जाएंगे तो 7 दिन तो रहेंगे ना, लेकिन इतना पैसा तो है नहीं, यही सोचकर बार बार पूजा जी का जाना टल जाता था। अब वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थी कि कब करे तो करे क्या, वृंदावन तो हमें जाना ही है, बिहारी जी को दर्शन तो करना ही है। वो मन ही मन हमेशा सोचती कि कैसे मैं वृंदावन जाऊँ और कैसे बिहारी जी को दर्शन करूँ। तभी अचानक से उनके पापा ने एक दिन कहा, चलो अब हम चलते हैं वृंदावन। अपने पापा के बातों को सुनकर पूजा जी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, पापा ये कैसे हुआ, आप तो कभी भी वृंदावन नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा प्रॉब्लम ही था। तो उनके पापा ने कहा, क्योंकि आज बिहारी जी स्वयं ही पुकार रहे हैं तो सारा व्यवस्था वही कर देंगे, चलो जो भी हो चलते हैं वृंदावन। यही सोचकर उनके मम्मा पापा और पूजा जी तीनों मिलकर चल पड़ते हैं वृंदावन की तरफ। अब वृंदावन जब पहुंचते हैं तो वो बिहारी जी को दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि पूजा जी ट्रेन में बैठकर बस यही सोच रही थी कि कब मैं बिहारी जी को दर्शन करूं, कब मैं वृंदावन पहुंचूं। वो उनका बिहारी जी से इतना ज़्यादा लगाव था कि पूरा रास्ता वो बस बिहारी जी के बारे में ही सोचते सोचते जा रही थी कि वृंदावन में जाते ही मैं वृंदावन को प्रणाम करूँगी और सबसे पहले बिहारी जी को दर्शन करूँगी। यही मन में भाव लेकर वो लोग चलने लगे। चलते चलते जब वो मथुरा में आए तो उन्हें एक ऑटो मिला और उसी ऑटो वाले को उन्होंने बताया कि हम वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करना चाहते हैं तो हमें वहाँ ले चलिए। अब जो ऑटो वाले थे उन्होंने कहा, चलो ठीक है। वो थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे तो वही व्यक्ति उन्हें लेकर चले गए बिहारी जी के मंदिर में। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा बिहारी जी के मंदिर के बाहर तो इतना ज़्यादा भीड़ है, तो अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। लेकिन पूजा जी के मन में, जैसा कि आप सबको बताया, कि एक ही भाव था कि मुझे बिहारी जी को दर्शन करना है। उनके पापा ने उनसे बार बार कहा, बेटा बैग तो सब कुछ रख देते हैं ना, घर पर बैग छोड़ देते हैं, एक आश्रम में ठहर जाते हैं, उसके बाद आकर बिहारी जी को दर्शन करें। तो पूजा जी ने उनके पापा से कहा, नहीं पापा आप लोग जाओ और ढूंढो कहाँ रहना है, लेकिन हम बिहारी जी को दर्शन करेंगे उसके बाद ही जाएंगे। उनके पापा और मम्मा ने कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ, मंदिर में दर्शन करो, उसके बाद हमें फ़ोन कर लेना और हम आपको बुला लेंगे कि हम कहाँ हैं। और यही बातों बातों में पूजा जी के मम्मा और पापा चले गए आश्रम देखने और पूजा जी चली आई बांके बिहारी जी को दर्शन करने मंदिर में। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, लंबा लाइन था, लेकिन वो बहुत ही शांत मूड में थी और उन्होंने बस एक ही मन में सोच रखा था कि आज तो मैं बिहारी जी को दर्शन करूँगी। यही सोच कर वो जल्दी जल्दी मंदिर के तरफ जाने लगी और लाइन भी आगे बढ़ने लगा, तो वो बहुत ही आनंद हो रही थी, खुश हो रही थी और मंदिर के तरफ प्रवेश करने लगी। जब वो मंदिर के तरफ गई तो बिहारी जी को देखते ही उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बिहारी जी को मैं सामने से देख रही हूँ,
कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि मैं सचमुच बिहारी जी को देख रही हूँ। कब से मेरे मन में एक ही सपना था कि मैं बिहारी जी को दर्शन करूँ, और आज मैं बिहारी जी को दर्शन कर रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा प्राप्ति था उनके जीवन में। वो बिहारी जी को निहारते रही, उनके आँखों से अश्रू गिरता रहा और वो बार बार बिहारी जी को देखते रही। कितने समय तक वो वृंदा मंदिर में खड़ी थी वो तो उन्हें याद नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के धक्का लगने से उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने घड़ी को देखा, तो घड़ी में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा था। उन्होंने देखा, अरे मैं इतने टाइम से बिहारी जी के सामने खड़ी थी। यही सोचकर वो तो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी, खुश हो रही थी। लेकिन तभी उन्हें याद आया, अब तो मुझे बाहर जाना होगा और मम्मा पापा भी तो चले गए होंगे, अब तक उन्हें आश्रम भी मिल गया होगा, वहाँ पर ठहरना भी है, मम्मा पापा कितना अकेले करेंगे। यही सोचकर उन्होंने बिहारी जी को प्रणाम किया और वो बिहारी जी के मंदिर से बाहर आ गई। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर से बाहर आई और वो सोचने लगी कि चलो अब मम्मा पापा को थोड़ा कॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि मम्मा पापा कहाँ हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने मम्मा पापा को फ़ोन करने गई तो उन्होंने देखा उनके पीठ में उनका बैग नहीं है। वो तो हैरान हो गई और परेशान हो गई, अरे मेरा बैग कहाँ गया, उसमें तो मेरा पैसा है, मेरा फ़ोन है, सब कुछ है, मेरा बैग कहाँ खो गया। यही सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा दुश्चिंता में पड़ गई और वो बार बार बिहारी जी से कहने लगी, बिहारी जी ये क्या हो गया, आपको देखने के लिए मैं भागी भागी आई और मेरा बैग ही खो गया, अब मैं कैसे मम्मा पापा से कॉन्टैक्ट करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको दर्शन करना चाहती थी इसीलिए मैं भागी भागी यहाँ पर आ गई। यही सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी, तभी उन्हें याद आया कि उनका बैग तो उसी ऑटो में रह गया है। अब तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, यहाँ पर आकर मेरा बैग खो गया और वो भी ऑटो में। अब तो ऑटो ड्राइवर जो थे वो पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे और कहाँ किसे वो बैग मिल गया होगा। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, बार बार बिहारी जी से कह रही थी, बस आप ही बचाओ, आप ही उद्धार करो मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। वो इधर उधर देखने लगी तो उन्होंने देखा दूर में एक ऑटो खड़ा है, और ये वही ऑटो था जिस ऑटो में चढ़कर वो वृंदावन आई थी। वो भागते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई और कहने लगी, अरे अंकल जी आप अभी भी यहाँ पर खड़े हो? तो अंकल जी ने कहा, बेटा आप अपना बैग भूल गए थे इसीलिए मुझे थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा आपके लिए, मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आओगे इसीलिए मैं यहीं पर खड़ा था, ये लो तुम्हारा बैग, और हाँ बेटा अच्छे से बैग को चेक कर लेना सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। जब अंकल जी ने ये कहा तो पूजा जी के आँखों से अपने आप ही अश्रु बहने लगा। वो अंकल जी को प्रणाम करने लगी और कहने लगी, अंकल जी आप तो स्वयं ही भगवान हैं, भगवान के रूप में आप आए हैं मेरे पास, नहीं तो अगर ये बैग खो जाता तो क्या अनर्थ हो जाता आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान जी का परम कृपा है, हमारे बिहारी जी का परम कृपा है कि आप मुझे मिल गए और आप अभी तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका कितना लॉस हो गया लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं देखा, बस आप मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अंकल जी हंसे और कहने लगे, ठीक ठाक से घर चले जाना, अब मैं जाऊँ, यही कहकर वो ऑटो लेकर चले गए। बस बिहारी जी के कृपा से मुझे सब कुछ वापस मिल गया, भगवान का परम कृपा था ये उनके ऊपर, उन्हें अपना बैग मिल गया और उन्होंने अपने मम्मा पापा से कांटेक्ट किया और वो अपने मम्मा पापा के पास पहुंच गई। जब वो लीला बता रही थी तो वो लीला बताते बताते पूजा जी बस रोए जा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि उस दिन उन्होंने स्वयं बिहारी जी को दर्शन किया था। देखिए अगर कलयुग में भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उन्हें विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भगवान कभी अपने रूप में हमारे सामने नहीं आते, लेकिन वो आते ज़रूर हैं, किसी भी रूप में क्यों ना हो वो आते हैं और हमें उद्धार करके चले जाते हैं। इसीलिए तो हमने बताया था अगर कोई भी आपका हेल्प कर रहा है तो उनके चेहरे को कभी मत भूलना, क्या पता
भगवान किस रूप में कहां कैसे हमें मिल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब बताइए आज पूजा जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई पूजा जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ज़रूर दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरि बोल।